गाइज, ये वीडियो इस सीरीज की लास्ट वीडियो है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। आपको इस वीडियो का जो भी पार्ट सबसे बेस्ट लगा, उसका टाइम स्टैम्प लेके लिंक के साथ एंड मुझे मेंशन करके इंस्टाग्राम पे जरूर से स्टोरी लगाना। जो भी लोग इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाने वाले हैं, मैं उन्हें रिमेंशन जरूर से करूंगा। तो देखते हैं किसको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। विजार्ड, क्या सब कुछ ठीक है यहाँ पे? अरे मनोहर, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ विजार्ड, मैं जो पता लगाने गया था वो मुझे पता चल गया। हाँ तो फिर मुझे भी बताइए मनोहर। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके मदद से हम लोग टाइटन को आसानी से मार गिराएंगे, और टाइटन के मरते ही हम लोग अपने साथियों को आजाद करा लेंगे और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अच्छा मनोहर, ऐसा कौन सा प्लान है आपके मन में? देखो, मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति के बारे में पता चला है। वो इतनी बड़ी शक्ति है कि वो टाइटन और उसके पूर्वजों को आसानी से हरा सकती है। कहा जाए तो वो पावर शिव से भी बड़ी है। शिव भी उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन उस शक्ति को हासिल करना आसान काम नहीं है। उसे बस कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं। अगर उस शक्ति को धरती पे लाना है तो वो काम कोई जिंदा आदमी ही कर सकता है, जिसने धरती पे एक से अधिक बार जन्म लिया हो और उसे अपने सभी जन्मों के बारे में याद हो। मगर मनोहर, ऐसा कौन है? दीपिका, मैं और तुम इंसान हैं। हम दोनों का धरती पे जन्म हुआ है, और शिव के कारण हम लोग एक बार बरमुडा भी जा चुके हैं, और जब हमें सब कुछ याद आया तो हम लोग वापस यहाँ आ गए। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा इस धरती पे कई बार जन्म हुआ है और हमें अपने सभी जन्मों के बारे में याद है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये काम कोई मर्द ही कर सकता है। इसीलिए इस शक्ति को मैं लाने जाऊंगा। अगर एक बार मुझे ये शक्ति मिल गई, तो फिर मैं टाइटन को मात दे दूंगा और सबको आजाद करा लूंगा। लेकिन मनोहर, आप इस शक्ति के बारे में कैसे जानते हो? और अगर आप जानते थे तो अभी तक इस शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? ये एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल सीधे अंत में होता है, जब हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता ना हो। और अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास दूर दूर तक दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए वक्त आ गया है शक्ति को इस्तेमाल करने का। ये शक्ति मुझे परगेट्री में मार्वल वर्क्स पे मिलेगी, इसीलिए मैं मार्वल वर्क्स जा रहा हूँ और दीपिका को अल्पाइन पे छोड़ के जाऊंगा। तुम यहाँ पे हो तो तुम बाकी शहरों की रक्षा कर पाओगे, लेकिन अल्पाइन की भी रक्षा जरूरी है। ठीक है मनोहर, अगर आप चाहते हैं मैं अल्पाइन की रक्षा करूं, तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। विजार्ड, अभी शक्ति को धरती पे लाने में वक्त है, इसलिए मैं परगेट्री जा रहा हूं, मगर तुम यहीं रहना। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात गलती से भी टाइटन को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैं इस शक्ति को निकाल सकता हूं, लेकिन इस शक्ति को कोई भी पा सकता है। और अगर टाइटन को इस शक्ति के बारे में पता चला तो वो मुझे मार के ये शक्ति पा लेगा। जी मनोहर, आप चिंता मत करिए, टाइटन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो दीपिका, अब जाने का वक्त आ गया है। मनोहर, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। लोगों की रक्षा करने के लिए तुमने दीपिका को अल्पाइन भेज दिया और मेरे सामने अपनी सारी बात उगल दी। तुम चाहते हो टाइटन को ये बात नहीं पता चले, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है मनोहर, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यारा विजार्ड नहीं, डेविल कोबरा हूँ। महान टाइटन, मुझे मनोहर के बारे में एक बहुत जरूरी बात पता चली है। मनोहर के पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसे वो आपको हराने वाला है, और वो इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आपके साथ साथ आपके पूर्वजों को भी आसानी से मार दे, यहाँ तक कि वो शक्ति शिव से भी बड़ी है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? डेविल कोबरा, पूरी बात बताओ, आखिर मनोहर के दिमाग में क्या चल रहा है? महान टाइटन, मनोहर को एक बहुत बड़ी शक्ति के बारे में पता चला है, जिसे बस मनोहर ही धरती पे ला सकता है। लेकिन एक बात है, उस शक्ति को कोई भी पा सकता है। उस शक्ति को पाने के लिए मनोहर परगेट्री में मार्वल वर्क्स पे गया है, और उसने मुझसे कहा था कलाहारी में रहे और बाकी शहरों की रक्षा करे, ताकि आप अटैक ना कर सको। दीपिका को भी उसने अल्पाइन में भेज दिया है। महान टाइटन, अगर ये शक्ति मनोहर के हाथ लग गई तो हम सबका अंत हो जाएगा। टाइटन, ऐसा नहीं हो सकता है, धरती पे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। गॉब्लिन, अगर अभी हम लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहे तो वहाँ मनोहर शक्ति पा लेगा और हम सबको हरा देगा। टाइटन, आपका लक्ष्य है मनोहर को मारना। अगर वहाँ पे शक्ति नहीं हुई तो भी आप मनोहर को मार ही सकते हो। दोनों ही शर्तों में जीत हमारी है, इसलिए हमें परगेट्री जरूर जाना चाहिए। टाइटन, तुम सही कह रहे हो डेविल कोबरा,
हमें परगेट्री जाना चाहिए। मनोहर के पास सिर्फ पावर्स ही नहीं, एक तेज दिमाग भी है। हो सकता है इस शक्ति के बारे में सिर्फ मनोहर जानता हो। हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। आओ हम सब चलते हैं परगेट्री। अगर ऐसी शक्ति सच में मौजूद है तो मनोहर के सामने मैं उससे उसकी शक्ति छीन लूंगा। टाइटन, अब तक तुमने बहुत खेल खेल लिया, मगर अब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस शक्ति को पाने के बाद मैं तुम्हारा चुटकियों में अंत कर दूंगा और तुम्हारा अंत करके अपने सभी साथियों को आजाद करवा लूंगा। अभी तुम मन ही मन ऐसा सोच रहे होगे कि तुमने शिव को बंदी बना लिया, इसका मतलब तुम धरती के सबसे ताकतवर इंसान हो गए हो। मगर ऐसा नहीं है टाइटन, धरती पे ऐसी भी शक्तियाँ मौजूद है जो शिव से भी ज्यादा ताकतवर है, और ये ताकतवर शक्तियाँ तुम्हें चुटकियों में मिटा सकती है। और आज मैं उन्ही शक्तियों को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे खिलाफ। वो रहा मनोहर, बेचारा ख्याली पुलाव पका रहा, वो मुझे मार देगा। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानता कि मुझे इसके प्लान के बारे में सब कुछ पता है। जिस विजार्ड को इसने अपना साथी माना, वो इसका प्यारा विजार्ड नहीं, मेरा डेविल कोबरा था। देखा गोब्लिंस, मैंने सच कहा था ना, ऐसी शक्तियाँ मौजूद है और मनोहर को इन शक्तियों के बारे में मालूम है। अगर आज हम लोग यहाँ नहीं आए होते तो मनोहर इन शक्तियों को पा लेता और हम सबका अंत कर देता। चाहे कुछ भी हो जाए, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इन शक्तियों को सिर्फ मनोहर निकाल सकता है, मगर इन शक्तियों को पा कोई भी सकता है। मनोहर को इन शक्तियों को बाहर निकालने के लिए मेहनत करने दो। जैसे ही ये शक्ति एक बार यहाँ आ गई, मैं मनोहर पे हमला करके उसका अंत कर दूंगा और इन शक्तियों को हथिया लूंगा। जैसे ही ये शक्तियाँ मुझ में समाएगी, इस ब्रह्मांड का नया भगवान मैं बन जाऊंगा। दीपिका, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है, जैसा हमने सोचा था। उन शक्तियों के लालच में टाइटन जरूर जाएगा परगेट्री, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। टाइटन, डेविल कोबरा और उसके सारे गॉब्लिन सभी परगेट्री में होंगे, और जिस मनोहर को वो असली मनोहर समझ रहे हैं, वो असली मनोहर नहीं, बस एक कठपुतली है। हाँ, ये मनोहर, हम लोग कोशिश करते हैं ताकि हम लोग सभी को आजाद करवा सके। अगर टाइटन को शक हुआ कि वहाँ सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वो तुरंत ही ग्रेवयार्ड आ जाएगा। अगर टाइटन ग्रेवयार्ड आ गया तो ग्रेवयार्ड की शक्ति और भी बढ़ जाएगी, तब हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और हम लोग भी फंस जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो दीपिका, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो टाइटन यहाँ आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इन सबको आजाद कराने की। शिव, मुझे शक्ति दो। अरे ये क्या हुआ, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है इन लोगों पे? मनोहर, आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो शिव की शक्तियाँ हैं, और शिव अभी टाइटन के कब्जे में है, इसीलिए लगता है आपकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है सही से। एक बार हम दोनों मिल के ट्राई करते हैं, हो सकता है हमें कामयाबी मिल जाए। हाँ दीपिका, तुम ठीक कह रही हो, शिव अभी टाइटन के कब्जे में है, इसलिए हमारी शक्तियाँ भी थोड़ी कमजोर हो गई हैं। अगर हम दोनों मिलके ट्राई करेंगे तो जरूर कोई ना कोई बात बन जाएगी। दीपिका, तैयार हो जाओ। दीपिका, हम दोनों ने मिलके ट्राई किया फिर भी हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है, अब हम लोग क्या करें? अगर टाइटन आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं मनोहर, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, हम लोग इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। दीपिका, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम ही सोचो, अब तुम ही बताओ क्या करें हम लोग। मनोहर, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए। मनोहर, हमारी शक्तियाँ कमजोर हो गई है क्योंकि शिव टाइटन के कब्जे में है, मगर हाँ, शक्तियाँ खत्म नहीं हुई हैं। आपने भी ट्राई कर लिया, मैंने भी ट्राई कर लिया, लेकिन हमारी शक्तियों का इन सभी पे कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है हम दोनों की शक्तियाँ मिला के भी इतनी काबिल नहीं कि इन सबको ग्रेवयार्ड से बाहर ले जा सके। अगर हम सबको एक साथ बाहर ले जाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है, हमें इनमें से किसी एक को ले जाना होगा। सभी पे एक साथ हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है, पर किसी एक पे जरूर काम करेगी। दीपिका, तो हम लोग शिव को यहाँ से ले जाएंगे, अगर शिव आजाद हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस से। हाँ ये मनोहर,
हम लोग कोशिश करते हैं शिव को यहाँ से ले जाने के लिए। दीपिका तुम्हारा प्लान काम कर गया, शिव कलाहारी पहुँच गए, शिव आजाद हो चुके हैं, तो समझो सभी आजाद हो जाएंगे। हाँ मनोहर, मैं बहुत खुश हूँ मनोहर, आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमारे भगवान शिव आजाद हो गए। चलिए मनोहर, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर टाइटन आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ दीपिका, अब हमें निकलना चाहिए, मगर उससे पहले मैं एक बार अपने विजार्ड को बाय तो बोल दूँ। मनोहर, अब बिछड़ने का नहीं, वापस से मिलने का वक्त आने वाला है। चलिए मनोहर, इंतजार मत करिए। ठीक है दीपिका, चलो। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, इस धरती को आपकी जरूरत है, इस पूरे धरती पे टाइटन का कहर मंडरा रहा है, अगर अभी टाइटन को रोका नहीं गया तो टाइटन सबको खत्म कर देगा। टाइटन ने शिव को भी बंदी बना लिया, ब्लू कोबरा, रेड कोबरा, सभी लोग उसके बंदी बने हुए हैं, सिर्फ मैं, दीपिका और विजार्ड बचे हैं, और हम तीनों इतने कमजोर हैं कि हम तीनों मिलके टाइटन को खत्म नहीं कर सकते हैं। हे महान शक्तियाँ, धरती पे आ जाओ और मुझे ताकतवर बना दो, ताकि मैं टाइटन को खत्म कर सकूं। मनोहर, जिस दिन टाइटन धरती पे आया था मैं उसी दिन समझ गया था इस धरती को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन मैं बस उसका इंतजार कर रहा था कि कब मुझे कोई आके निकालेगा और मैं उसे अपनी शक्तियाँ दूंगा, क्योंकि मेरी शक्तियों को संभाल पाना कोई आसान काम नहीं है। मेरी शक्तियों को केवल वही संभाल सकता है जो दिलेर, निडर और मन से ताकतवर हो। ऐसा इंसान जिसने कई बार जन्म लिया हो, वो मर्द हो और उसे अपने सभी जन्मों के बारे में याद हो, और तुम हर तरीके से इन शक्तियों को पाने के लिए काबिल हो। टाइटन देखिए, ये शक्तियाँ धरती पे आ चुकी है, अब आपको जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मनोहर इन शक्तियों को ले लेगा। डेविल कोबरा, मनोहर कामयाब नहीं होगा, शक्तियाँ उस तक पहुँचे, उससे पहले मैं उसे शिव तक पहुँचा दूंगा, अंत कर दूंगा मनोहर का। मनोहर रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? टाइटन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? शिव तो सब जानते हैं, और आजकल शिव मेरी मुट्ठी में है। तुम कब और कहाँ जाते हो मुझे सब पता है। मुझे मारने के लिए तुम शक्तियाँ लेने आए, मगर उस शक्ति को पाने से पहले इस शक्ति से तुम्हें लड़ना होगा, और ये तुम भी जानते हो, मुझे हराना तुम्हारे बस की नहीं, तो फायदा इसी में है, तुम हार मान लो। ऐसा कभी नहीं होगा टाइटन, तुम्हारे वार से पहले मैं इन शक्तियों को पा लूंगा, और एक बार मुझे ये शक्तियाँ मिल जाए फिर तो देखना मैं तुम्हारा चुटकियों में अंत कर दूंगा। महान शक्तियाँ, मेरे अंदर आ जाओ, ताकि मैं टाइटन का अंत कर सकूं। अलविदा मनोहर। रुक जाओ टाइटन। टाइटन सच में महान है। शिव, कोबरा, मनोहर, विजार्ड, सब खत्म। हे महान शक्तियाँ, मुझ में समा के इस टाइटन को और महान बना दो। महान टाइटन, इन शक्तियों को पाने के बाद तुम और भी महान हो जाओगे, मगर इन शक्तियों को तुमने धरती पे नहीं लाया है, इसलिए तुम इसे इतनी आसानी से नहीं पा सकते हो। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, बार बार करना होगा, तब जाके तुम इन शक्तियों को पाने के काबिल हो पाओगे। आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, बताइए क्या करना है। टाइटन कहो, इन शक्तियों को बनाने वाला महान है, वो सबसे समझदार है। इन शक्तियों को बनाने वाला महान है, वो सबसे समझदार है। मनोहर की जय हो। मनोहर, मनोहर बीच में कैसे आया, क्या उसने ही ये शक्तियाँ बनाई है? तुमने ठीक कहा टाइटन, मैंने सिर्फ इन शक्तियों को नहीं तुम्हें पागल भी बनाया है। तुमने अभी अभी जिस मनोहर को मारा वो असली मनोहर नहीं, सिर्फ एक कठपुतली थी, और तुम जो अभी आवाज सुन रहे हो वो भी असली मनोहर नहीं, बस उसकी रिकॉर्डेड आवाज है। कैसा पागल बनाया टाइटन, टाइटन महान है। अब यहाँ की अपनी बारात का इंतजार कर रहे हो, ग्रेवयार्ड जाओ, सभी आजाद हो चुके हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मनोहर।
शिव शिव देखो शिव, आखिरकार आप आजाद हो गए। शिव मैंने और दीपिका ने मिलके आपको आजाद करा लिया। शिव होश में आओ, कुछ तो बोलो। शिव शिव टाइटन का खतरा बढ़ता जा रहा है। शिव अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा। शिव प्लीज शिव कुछ बोलो, आपको आजाद कराने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। शिव कुछ तो कहो। शिव मनोहर क्या करें, शिव तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। लगता है टाइटन का जादू अभी भी शिव पर चल रहा है, इसीलिए शिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप कुछ करो मनोहर। मैं क्या कर सकता हूँ दीपिका, अगर शिव ही कुछ नहीं बोल रहे तो मेरी शक्तियाँ कैसे काम करेगी। मनोहर टाइटन की शक्तियाँ ग्रेवयार्ड में बहुत ताकतवर होती है, लेकिन अभी हम लोग ग्रेवयार्ड में नहीं कालाहारी में है, और आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो भी तो शिव की शक्तियाँ हैं। क्यों ना आप अपनी शक्तियाँ शिव में ट्रांसफर कर दें, हो सकता है इससे शिव होश में आ जाए, और एक बार शिव होश में आ गए तो शिव सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ दीपिका तुम ठीक कह रही हो, मेरी शक्तियाँ भी तो शिव की शक्तियाँ हैं, मैं अपनी शक्तियाँ शिव में ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन दीपिका मैं ऐसा कर दूँ और शिव फिर भी होश में न आए तो हम लोग फंस जाएंगे। शिव भी होश में नहीं आएंगे और मुझसे मेरी शक्तियाँ भी खो जाएंगी, तब तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मनोहर अभी हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, टाइटन को हमारे बारे में पता चल चुका है। अगर आज आपने ये काम नहीं किया, शिव को अपने होश में नहीं लाया, तो कल के दिन टाइटन हम सबको मार ही देगा। हाँ दीपिका तुम ठीक कह रही हो, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। शिव शिव आप होश में आइए, शिव कुछ बोलिए। शिव 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 कुछ बोलिए, शिव होश में आइए। दीपिका मेरा डर सच हो गया, मेरी पावर शिव पे काम नहीं आई, अब मेरी पावर्स भी चली गई और शिव भी होश में नहीं आए, सब खत्म हो गया दीपिका। हाँ मनोहर हम लोग नाकामयाब हुए, शिव ने हम पे बहुत भरोसा किया था मगर हम उनके भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए। शिव कुछ तो बोलो, शिव सब खत्म हो जाएगा। शिव प्लीज होश में आओ, शिव कुछ तो कहो। दीपिका सब खत्म हो गया, मेरे कारण सब बर्बाद हो गया दीपिका, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता, और उस दिन तुम मुझे बचाने नहीं आती, मैं उसी दिन मर जाता। मनोहर हिम्मत मत हारिए मनोहर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मुझे शिव पर पूरा भरोसा है। और मैं तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा दीपिका। शिव आप वापस आ गए। शिव हाँ मनोहर मैं वापस आ गया, और तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया मनोहर, तुमने मेरे विश्वास को कायम रखा। अब तक ब्लड मून का तो अंत हो गया होगा। जी शिव ब्लड मून को मैंने मार दिया, और उसे मारने के बाद मैंने पता लगाया कि यहाँ क्या चल रहा है, तो मुझे पता चला टाइटन के कब्जे में आप सभी आ गए हो, फिर मैंने अपने छल से आपको आजाद करा लिया। अब शिव सब कुछ आपके हाथ में है, प्लीज शिव टाइटन को खत्म कर दो और हमारे रेड कोबरा ब्लू कोबरा विजार्ड को आजाद करा दो, और इस धरती को वापस से पहले जैसा बना दो। शिव अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मनोहर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी एक गलती के कारण मैं टाइटन के कब्जे में आ गया था, मगर अब टाइटन का अंत करके उसका अस्तित्व मिटा दूंगा, मगर इसके लिए मुझे तुम दोनों की साथ की जरूरत है। हाँ, जरूर शिव हम दोनों आपके साथ हैं। मनोहर ये ठीक नहीं किया तुमने, तुम खुद को वीर कहते हो मगर आज तुमने चोरों वाली हरकत की है, धोखे से तुमने शिव को आजाद करा लिया। महान टाइटन मुझे पता है मनोहर कहाँ गया होगा, वो शिव को लेके कलहारी में होगा, मैं भी उसे पकड़ के लाता हूँ। चुप करो तुम बेवकूफ, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैंने तुम्हें कलहारी मनोहर की जासूसी करने के लिए भेजा था, मगर तुम ये क्या करके आए हो, तुम्हारी गलती के कारण आज शिव आजाद हो गया। महान टाइटन लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों हो, शिव पे आपका जादू अभी भी चल रहा होगा, वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा होगा। बेवकूफ वो शिव है, कोई आम इंसान नहीं, इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे अपने कब्जे में लिया था, मगर तुम्हारे कारण वो आजाद हो गया। जब तक शिव ग्रेवयार्ड में था तब तक मेरी शक्तियाँ उसे काबू कर रही थी, लेकिन अब वो ग्रेवयार्ड से जा चुका है, मेरी शक्तियाँ उस पे काम नहीं करेगी। शिव शुरुआत से ही मुझसे ज्यादा ताकतवर है, बस उसने गलती की थी ग्रेवयार्ड आके। मगर टाइटन हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते हैं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है दूसरी कोशिश करने का,
वो शिव है, हमें दूसरा मौका नहीं देगा। टाइटन, हार तय है, हम लोग शिव को नहीं मार सकते हैं, मगर उसके मोहरों को तो मार ही सकते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम उसका उतना नुकसान करेंगे। ये सब हमारे कब्जे में है, लेकिन मनोहर नहीं, मनोहर को हम लोग खत्म कर देंगे। और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तुमने दूसरा रास्ता कहाँ छोड़ा है मेरे लिए। मनोहर, दीपिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक टाइटन को एहसास हो गया होगा, अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, और वो ये भी जानता है अब उसकी हार तय है। इसलिए वो दुनिया जीतने की कोशिश करना छोड़ हम सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड अभी भी उसके कब्जे में है, मगर मनोहर और दीपिका तुम दोनों आजाद हो। टाइटन ये जानता है, वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मुझ पे वार कभी भी नहीं करेगा। टाइटन का अगला वार तुम दोनों हो, और ये हमारे लिए खतरा नहीं, हमारे लिए मौका है। एक ऐसा मौका जिससे मैं रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड को आसानी से आजाद करा पाऊंगा। टाइटन तुम पे हमला जरूर करेगा, और इसके लिए वो कलाहारी जरूर आएगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से समझो। मनोहर, तुम नीचे जाओ, तुम वहाँ टाइटन का इंतजार करो, और दीपिका तुम यहीं रहो। जैसे ही टाइटन कालाहारी आएगा मैं तुरंत ही ग्रेवयार्ड पहुँचूंगा, और जिस वक्त टाइटन ग्रेवयार्ड पे नहीं होगा उस वक्त मैं रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड को आजाद करा के यहाँ भेज दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मनोहर तुम्हें टाइटन को रोकना होगा, उसे अपनी बातों में उलझाए रखना होगा और उसके वार से बचते रहना होगा, क्योंकि टाइटन के निशाने पे तुम हो तो वो पीछे नहीं हटेगा। तुम्हें मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है मनोहर। अगर टाइटन ने तुम पे वार किया और तुम पे वो वार लग गया तो मैं फिर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा मनोहर। शिव, आप चिंता मत करिए, मैं टाइटन को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा, बस आप रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और मेरे प्यारे विजार्ड को आजाद करा दीजिए। तुम उन सब की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, तुम बस टाइटन को संभाल लेना। जी शिव, मैं उसे संभाल लूंगा, मगर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, इसलिए आपको भी जल्दी करना होगा। शिव, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शिव देखिए, मैं यहाँ आ गया हूँ, जैसे ही टाइटन यहाँ आता है आप ग्रेवयार्ड चले जाना। हाँ मनोहर। टाइटन, तुम आ गए। मनोहर, कहाँ है शिव? अब तक तो वो आजाद हो ही गया होगा, आज तुम्हें शिव भी नहीं बचा पाएगा। अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं वापस आ चुका हूँ और तुम सबको आजाद करा लूंगा। शिव, हमें पता था कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। तुम यहाँ आ तो गए हो, मगर यहाँ से वापस कैसे जाओगे शिव? गॉब्लिंस, भूलो मत, टाइटन यहाँ मौजूद नहीं। तुम्हें भले ही ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ मिली हैं, पर टाइटन जितनी नहीं। ग्रेवयार्ड के बाहर टाइटन मेरे सामने टिक नहीं पाता, तो तुम तो मेरे थूक के बराबर भी नहीं हो। बस बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर इतना ही शक्तिशाली मानते हो अपने आप को तो वार करो मुझ पे, मरने के लिए तैयार हो जाओ शिव। तुम्हारे वार का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ, मगर मेरे वार का तुम पे जरूर होगा। दोबारा नर्क में मुलाकात होगी। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, मेरी गलती के कारण तुम लोग यहाँ फंस गए, लेकिन मनोहर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जो कुछ भी हमने खोया था वापस पा लिया। सब कुछ ठीक करने का वक्त आ चुका है, चलो कलाहारी। बंद करो अपनी बकवास मनोहर, और अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। टाइटन, मुझे मार के तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, शिव तुम्हें खत्म ही कर देंगे, इसलिए रुक जाओ और शिव से माफी मांग लो। अलविदा मनोहर। बस करो टाइटन, मेरे होते हुए अब बुराई अपनी पैर और नहीं पसार सकती, तुम्हारे अंत का वक्त आ चुका है। शिव, तुम्हारा ही इंतजार था, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ शिव, मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारे तीनों साथी जो ग्रेवयार्ड में मेरे कब्जे में हैं, उनको गॉब्लिंस खत्म कर देंगे। टाइटन, तुम्हारी जानकारी थोड़ी पुरानी है, अब हमारे कोई भी साथी तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जिस वक्त तुम यहाँ मनोहर के साथ बातचीत कर रहे थे
उस वक्त मैं ग्रेवयार्ड गया था। तुम्हारे प्यारे साथी गॉब्लिन्स को मैंने मार दिया और अपने साथियों को आजाद करा लिया। और अब मैं तुम्हारे आखिरी साथी डेविल कोबरा को भी खत्म करूंगा। टाइटन सेव, भूलो मत, तुमने पिछले बार भी मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर मेरे पूर्वजों की शक्तियों ने मुझे बचाया था। कर लो जितनी कोशिश तुम्हें करनी है, मगर मेरे पूर्वज मुझे मरने नहीं देंगे। ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ अभी भी मेरे साथ हैं। जिन ग्रेवयार्ड की शक्तियों के दम पे तुम यहाँ तक पहुँचे हो टाइटन, उन शक्तियों को मैंने खत्म कर दिया। ग्रेवयार्ड का नामो निशान खत्म हो चुका है टाइटन। शिव, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया शिव। इस बर्बादी का कारण भी तुम खुद हो टाइटन। अब अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ। टाइटन हार रहा है, मगर अब तक उसने अपनी हार नहीं मानी। अब मैं अपना आखिरी वार करूंगा। मुझे मेरी और मेरे पूर्वजों की सारी शक्तियाँ मिलाकर ये अस्त्र मिला था। इस अस्त्र को मैं सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर ये अस्त्र किसी की भी जान ले सकता है, तुम्हारी भी शिव। अगर तुम मर गए तो मैंने जितना भी खोया है वो सब वापस से हासिल कर लूँगा। अलविदा शिव। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा टाइटन, सच्चाई की जीत तय है। नाइन। टाइटन, तुम्हारा आखिरी वार भी नाकामयाब हो गया। अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। अलविदा टाइटन। रुको। शिव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव, आज आपके कारण टाइटन का अंत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मनोहर, अपने साथियों से वापस से मुलाकात करने। जी शिव। आज तुम लोग नहीं, मैं बोलूंगा। मेरी एक गलती के कारण टाइटन इतना ताकतवर हो गया, मैं उसके कब्जे में आ गया और मेरे कारण सभी उसके कब्जे में आ गए। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तुम सबसे माफी मांगता हूँ। शिव, आप ही तो कहते हैं होनी को कोई बदल नहीं सकता, अब जो होना था वो हो गया। आप हमसे माफी मत मांगो शिव, आपसे कोई गलती नहीं हुई है शिव। आपने मुझे और दीपिका को दूसरे शहर भेजा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज कुछ भी ठीक नहीं होता शिव, आप बिल्कुल गलत नहीं हो। हाँ शिव, मनोहर ठीक कह रहा है, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आपने जो किया ठीक किया। हाँ शिव, आप बिल्कुल सही हो। हाँ शिव, आप ऐसा मत बोलो, आप तो बहुत अच्छे हो। धरती पे जिसकी भी शुरुआत हुई है उसका अंत तय है, लेकिन लोगों के मन में उसकी यादें बसी रहती है। इस कहानी की शुरुआत विवेक से हुई थी और मनोहर तक पहुँची, और मनोहर ने उस कहानी को यहाँ तक पहुँचाया। इस पूरे रास्ते में कैसी भी बाधाएं आई, हम लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मनोहर को सबका प्यार मिला। मनोहर, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, दीपिका, विजार्ड, इन सब का अंत तो नहीं आया, मगर इस कहानी का अंत आ चुका है। तुम सब इस धरती की यूं ही रक्षा करते रहना, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अब जाने का वक्त आ चुका है। जाने से पहले आप एक बार मेरी ये बात जरूर सुन के जाना, जितना प्यार आपने मुझे, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, दीपिका, शिव को दिखाया, उतना ही प्यार हमारे आने वाले सारे कैरेक्टर्स को दिखाना, आने वाली सारी सीरीज को दिखाना। आपने इस सीरीज को मौका दिया, इस सीरीज के स्टार्टिंग के वीडियोस देखने आए तभी आपको पता चल पाया ये सीरीज कैसी है। नेव गेमर और उसकी पूरी टीम जल्द ही न्यू सीरीज लाने वाली है, एक बार उसे भी मौका जरूर देना, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो सीरीज कैसी है। हो सकता है आपको बुरा लगे कि मैं आपको वापस से देखने ना मिलूं, मगर ऐसा नहीं है, आपको इससे भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापस जरूर आऊंगा। मैं, मनोहर और मेरी पूरी टीम की जर्नी अभी कुछ समय के लिए रुक चुकी है, आपको जल्द ही नई सीरीज देखने मिलेगी। तब तक के लिए लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपनी नेफ आर्मी को भी 2 मिलियन जितना स्ट्रॉन्ग करना है हमें। आप लोगों ने जितना प्यार दिया, थैंक यू सो मच।